लाखों रुपए की लागत से तैयार स्वास्थ्य केंद्र गोबर और भूसा रखने का बना भंडार घर। जी हाँ, भोजपुर जिला अंतर्गत बड़हरा विधानसभा के सुंदरपुर बरजा गांव में लाखों रुपए की लागत से विगत 12 वर्ष पहले बना यह स्वास्थ्य केंद्र गोईठा और भूसा रखने के प्रयोग में लाया जा रहा है। लगभग 12,000 गाँव की आबादी वाला यह सुंदरपुर बरजा गाँव को यह स्वास्थ्य केंद्र तब नजर आया जब कोरोना महामारी ने अपना कहर बरसाना प्रारंभ किया। आसपास 10 किलोमीटर के दायरे तक कहीं भी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है जहां पर लोग जाकर अपना इलाज करा सके। किसी तरह की फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था नहीं। जब स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा था तब लोगों में अपार खुशी थी, परंतु इन लोगों को क्या पता कि यह स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं बैठेंगे बल्कि इसमें मवेशियों का चारा का भंडारण किया जाएगा। यह नारे लगाते आक्रोशित लोग किसी पार्टी या दल के नहीं हैं, बल्कि इसी गांव के पीड़ित लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि लाखों रुपया खर्च करके सरकार द्वारा स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया, लेकिन यहां बैठने वाले कोई डॉक्टर नहीं है। यहां पर मवेशियों के लिए चारा रखा जाता है। सुंदरपुर बरजा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के सारे दावे फेल हैं। आखिर जब डॉक्टर रखना ही नहीं था तो लाखों रुपये लगाकर स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने की जरूरत ही क्या थी। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि यदि हमारी आवाज सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। पट्टी खती क्या पड़ेगा जी, क्या बताना चाहेंगे, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या है आज तक हॉस्पिटल चले नहीं, अब 10 से 15 वर्ष हो गया, इसको कोई ना डॉक्टर आता है ना कुछ करता है, कोई काम नहीं होता है, दवा मिलता है। कितने वर्षों से यह भवन आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है? करीब 10-12 वर्ष हो गया। 12 वर्ष तो जब बना था उस समय भी यही हाल था, इसका बोर्ड वगैरह लगा था? नहीं, बोर्ड नहीं लगा था, बोर्ड नहीं लगा था, ऐसे टूट फट रहा है रोज रोज है। 12 साल पहले भी ऐसे ही बना था और अभी भी बना था उस समय, लेकिन अब छोड़ते छोड़ते ऐसा हो गया, टूट गया है। अच्छा, 12 साल पहले जब बना था, क्या उस समय से डॉक्टर या एएनएम कोई? डॉक्टर आज तक कोई आई भी नहीं किए, शुरू से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया आज तक, ना कोई बैठा है इसमें। अभी कैसा चल रहा है आप लोग का? जैसे मान लेते हैं कि अभी गांव है, पंचायत है, एक पंचायत में 5-6 गांव है लगभग इधर का, और किसी का अगर तबीयत खराब होता है तो फिर आप लोग अभी कहां जा रहे हैं, कैसे? हम लोग आना जाना पड़ता है, समझ लीजिए। यहां पर कोई अगल बगल में कोई डॉक्टर भी नहीं है और कोई दिखाने वाला भी नहीं है, हम लोग आना जाना पड़ता है। इसका शिकायत कहीं आप लोगों ने किया? शिकायत तो हम लोग बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, आपके यहाँ मुखिया भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, इसके लिए हम मंगल पांडे जी के पास एक बार हम शिकायत किए थे जाकर, स्वास्थ्य मंत्री, आज 2-2.5 साल पहले। क्या आश्वासन मिला था वहाँ से? मिला था कि ठीक है, उसको चालू किया जाएगा, इसके बाद फिर चुपचाप। क्या बताना चाहेंगे? हम तो जब तक जानते हैं, अस्पताल जब बना था तब तो लगभग सही था, और उसके बाद से यहाँ पर कोई आया नहीं। हम लोग को जब भी दिखाना होता है आरा जाते हैं, और आरा के नीचे यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं। किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है इसके अभाव में, स्वास्थ्य केंद्र के अभाव में? किसी डिलीवरी कराने के लिए भी हम लोग यहाँ पर आरा ही जाते हैं, बाढ़ आता है, सांप भी शिकारता है किसी को, तो उसके लिए भी हम लोग आरा ही जाना पड़ता है। यदि ये चालू होता तो हम लोग यहीं पर कराते। क्या मांग है आप लोगों का? मांग है कि इसे जल्द से जल्द चालू कराया जाए, और यदि यहाँ पर चालू हो जाता है तो हम लोग के बहुत अच्छा रहेगा कि आरा नहीं जाना पड़ेगा, या करीब में है बागी पाकर या कहीं पर है, वो भी उतना अच्छा है कि नहीं हम लोग नहीं जानते। तो जब से ये बना तब से यहाँ कोई नहीं आता है? नहीं, कोई नहीं आया था इसको देखने के लिए। हम लोग लगभग ट्विटर पर 10-15 बार हम लोग इसको डाल चुके हैं, कोई रिप्लाई नहीं है हमारा तरफ, उन लोगों की तरफ। हम लोग जितने भी हुए हैं सब अपने अपने ट्विटर से सब पे डाले हुए हैं, आज तक जी न्यूज, NDTV, सब चैनल वालों पर डाले हैं। हम टैग किए हैं मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री के पास भी टैग किए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार के पास हम लोग टैग करके डाले थे ट्विटर पर, कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कोई इसके बाद कोई देखने आया, ना कोई पूछने आया कि क्या है क्या नहीं। क्या नाम हो आपका? रजनीश राय मेरा नाम। रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। कहाँ किस? सुंदरपुर बरजा जी। कैसा आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है? प्राथमिक स्वास्थ्य तो हम लोग सर उठवाए थे, एक पुरानिया थे हमारे बाबा दादा, अच्छा उनसे दिवाए थे हम लोग ये जमीन की, यहाँ पर ये सब चीज बनेगा तो गांव का कुछ विकास होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी विकास भी नहीं हुआ, ये जमीन भी टण गई हमारी, और इससे क्या फायदा है बताइए आप? कब बना है ये? बनने को तो ये 10-12 साल से बन गया है। 12 साल में कुछ हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ इसमें डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, सारे पैसा मिलता है, इसमें कोई दवाई भी नहीं मिलता है यहाँ पर। तो बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री को आप क्या कहना चाहेंगे इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए? हम तो कहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी चालू कीजिए, ये जनता मर रही है यहाँ पर।
परेशानी में बढ़ रही है, ये जनता किसी को चोट लग जाता है, चपाट लग जाता है, ये जाते हैं यहाँ हमारे गांव से कुछ दूर हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाते जाते बहुत दिक्कत हो जाती है सर। अब तो रोड वोड बन गया, थोड़ा सा थोड़ा सुविधा हो गया, नहीं तो पाकी हेल के जाना पड़ता था, उसके चक्कर में ये सब चीज़ हम लोग करवाए विकास का काम। यहाँ जिला में कैसा चल रहा है, जिलाधिकारी को बताएं, स्वास्थ्य पदाधिकारी, ये देखना चाहिए ना, ये मुखिया को, सरपंच को, ये चीज देखना चाहिए, हमें, हम बताएंगे ये चीज। वोट भी तो आप ही लोग देते हैं ना, मुखिया को, सरपंच को, वोट तो हमारा एक दिन का मतदान है, हम दे दिए जी। अब 5 साल आप क्या करोगे, इसका हम जिम्मेवारी रखे हैं क्या, बताइए, उनके पीछे दौड़ते चले 5 साल। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि इसको जल्दी से ये चालू होना चाहिए सर, ये चालू होना चाहिए, इसमें विकास होना चाहिए, डॉक्टर बैठना चाहिए। ये तो कुछ नहीं है, जिला परिषद, मुखिया जी, सरपंच साहब, सारे लोग कुर्सी तोड़ रहे हैं। ये चालू करने वाला नारा आप लोगों का कब से है? नारा तो ये बहुत दिन से चल रहा है सर, लेकिन कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। आप क्या सोचे हैं, फिर भी सुनवाई नहीं होगा तो क्या करना, क्या करेंगे, ढाई के ये सब ईटा वोटा ले जाएंगे, खेत बोएंगे, बहुत बढ़िया, और क्या करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैक्सीनेशन कैसे हो रहा है आपके गांव में, कोविड का वैक्सीन कैसे दिया जा रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है आपके यहाँ? हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ आज तक। स्कूल में, कहीं गैरेज में व्यवस्था होता है तो वैक्सीन होता है। लगातार अभी 4 बार लॉकडाउन लगा, उस बीच में कैसे आप लोग झेलते होंगे अगर किसी को कोई समस्या होती होगी तो? हमारे यहाँ जो भी ग्रामीण है, एक तो समझ लीजिए कि हम लोग का रूरल एरिया है, यहाँ से आरा जाने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं, लॉकडाउन में सारे गाड़ी बंद है, लेकिन वहाँ आरा जाना जरूरी है, तभी जान बचेगा। और ये मेरा स्वास्थ्य केंद्र जो बना है, हमको लग रहा है कि 12-13 साल से बना हुआ है। आज हमारे गांव के लोग अपना जमीन दिए, इसलिए ना कि यहाँ कोई व्यवस्था हो स्वास्थ्य प्रति, हम कहीं जाना ना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस सरकार बोल रही है सब चल रहा है, लेकिन है कुछ। आखिर कब तक आप लोग देखते रहिएगा कि सरकार कह रहे सब होगा, बनेगा, आखिर कब तक आप लोग इंतजार कीजिएगा? इसके लिए हमारे ग्रामीण में बहुत आक्रोश है। अच्छा, हो सकता है इसके लिए जन आंदोलन हो जाएगा जी, तो आखिर सरकार को तो सुनाना है, तो आपको माध्यम से अगर यहाँ पहुँच जाता है तो ठीक है, नहीं तो कलेक्टर साहब के यहाँ एक ज्ञापन दिया जाएगा। यहाँ आज तक कोई नहीं आया, नर्स या डॉक्टर वॉक्टर कोई नहीं आया आज तक। आज आप लोग इतने उग्र रूप में यहाँ पे जन आंदोलन के तौर पे हैं, कोई नीतीश कुमार मुर्दाबाद कह रहा है, कोई मंगल पांडे मुर्दाबाद कह रहा है, आखिर क्या मामला है, क्या परेशानी है? देखिए, पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, या करके आप इस गांव में, इतना सुदूर इलाका में आके इसको कवरेज कर रहे हैं। हमारे ग्रामीणों के पास बहुत सारा आक्रोश है। आक्रोश ये है कि ये भवन बना हुआ है आज से 15 साल पहले, और यहाँ देखिए एक पैरासीटामॉल भी नहीं मिल रहा है, कोई बचता नहीं है, समस्या ही समस्या है। इस महामारी में मान लीजिए कि वैक्सीन तो हो रहा है, अगल बगल के स्कूलों में ये सब व्यवस्था चल रहा है, लेकिन जनरली किसी को सर्दी बुखार हो जाए वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? तो ये हमारे जो ये गाँव के लोग हैं, जमीन वमीन दे करके बनवाए हुए थे, दान दे करके कि यहाँ हॉस्पिटल बन जाएगा, तो इतना 10,000 की आबादी है, यहाँ सुविधा मिलेगा, लेकिन आज वो सुविधा देखने से तो लग रहा है कि एकदम स्थिति बेहाल है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे, और माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि कम से कम जो भी पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है, वो सारे ही, सिर्फ सुंदरपुर बरजा के लिए ही नहीं, जहाँ जहाँ भी बना हुआ है, कम से कम वहाँ एक अपना स्टाफ बैठाइए, वहाँ दवा का व्यवस्था करा दीजिए, जनरली फर्स्ट एड। जब स्वास्थ्य उपकेंद्र है तो स्वास्थ्य उपकेंद्र बनना चाहिए, लेकिन ये है नहीं। आप भी देख सकते हैं, इसको थोड़ा दिखाइए ना, ये इस साइड में थोड़ा कैमरा करके दिखाइए, क्या ये लग रहा है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र है? देखने से लग रहा है। यहाँ पे इतना भारी मात्रा में भूसा क्यों रखा पड़ा हुआ है? ये तो अगल बगल के लोग हैं, देखिए अभी सामने थोड़ा दिखाइएगा तो ये बगल में दिखेगा आपका, ये घर लोग बनाए हुए हैं, ये गाँव वाले लोग तो अपना रखे हुए हैं, कोई आता जाता नहीं है, गेट वोट के वाड़ी वाड़ी लगवे नहीं किया, ना कोई डॉक्टर आया। आज हम लोग मजबूर हैं, सिर्फ पैरासीटामॉल और पीरीटोन लेने के लिए आरा जाना पड़ता है, आ नहीं तो बिहिया जाना पड़ता है। आज गांव में उपलब्ध नहीं है, 10,000 आबादी है। आखिर यहाँ के लोग फिर कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? हम लोग मजबूरी में आज बहुत पीड़ा है, देखिए ये इतना सारे लोग जुटे हुए हैं, आज यही चर्चा चल रहा था कि कम से कम हॉस्पिटल जब बना तो यहाँ उपयोग होना चाहिए,
हमारे पास भी सारे लोग आए, लेकिन हम अब तो अपीले ना कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। अगर यहाँ पदस्थापन नहीं होता है डॉक्टर का और यहाँ कोई सिस्टमेटिक ढंग से कोई काम क्रियाकलाप नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आपका परिचय? राम प्रकाश तिवारी, हम समाजसेवी हैं, यहाँ इसी गांव के रहने वाले हुए, सुंदरपुर बरिया के।